वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही चीपेस्ट 19 इंच का मॉनिटर का अनबॉक्सिंग। ये जेबस्टार का तरफ से आता है, यानी कि ये जेब्रोनिक्स का एक प्रोडक्ट है और जिसका अभी ब्रांडिंग नेम है जेबस्टार। तो ये एक काफ़ी चीपेस्ट मॉनिटर है, मार्केट में अभी मिलता है। तो आइए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसे है। हम इसका चेक करेंगे पिक्चर क्वालिटी कैसा है। पहले ऊपर पर देख लेते हैं, ये बॉक्स है और इसमें कुछ आपको फीचर्स मेंशन दिखेगा, जैसे कि ये रेजुलेशन 1440x1900, ये मैक्सिमम इसका रेजुलेशन है। वॉल माउंटेबल है, आप इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। इसकी साइड में इस तरफ आपको कुछ भी नहीं है, और तो इस तरफ आपको यहाँ MRP देखने को मिलता है जो 6,500 का है। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स पे आपको कोई भी सील नहीं मिलता, ये यहाँ से खुलने से ही ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम मॉनिटर को निकाल लेते हैं। ये है हमारा मेन यूनिट, तो इसे अभी रखते हैं। और बॉक्स में आपको मिलता है स्टैंड जो काफ़ी चीप क्वालिटी लगता है देखने में। ये स्टैंड पे लगने वाला ये पाइप जो कुछ इस तरह से लग जाता है, और एक पावर केबल जिसका क्वालिटी काम चलाव है, ठीक ठाक है। और एक आपको VGA केबल मिलता है। बॉक्स में आपको HDMI केबल नहीं मिलता है, लेकिन ये जो मॉनिटर है ये HDMI को सपोर्ट करता है। हाँ, HDMI को सपोर्ट करता है। तो यह है बॉक्स का कंटेंट, तो हम इसे साइड में रखते हैं और थर्मोकोल हटाते हैं। मॉनिटर जो है काफ़ी भारी है, मतलब इतना कम प्राइस है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही चीप क्वालिटी का है। तो ये आपको काफ़ी मतलब सॉलिड फील होगा, ऐसा नहीं कि बहुत चीप फील होगा। और पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको पीछे को इधर पावर के लिए जो इनपुट है वो देखने को मिलेगा, और एक VGA और एक HDMI, और यहाँ पे आपको स्टैंड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये स्पीकर नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि स्पीकर है, ये स्पीकर नहीं है, ये ईयरबड्स है। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है एक, जो हम पहले उतारते हैं। तो मॉनिटर जो है एक ग्लॉसी पैनल के साथ मिलता है, यहाँ आपको मैट फिनिश नहीं मिलता दिखने में। और यहाँ पे आपको पीछे कुछ बटन्स मिल जाता है, इसका जो मेनू है उसे नेविगेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाता है पीछे की तरफ। तो मैंने जितना सोचा था उतना भी ख़राब नहीं है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये ग्लॉसी पैनल के साथ आता है। पिक्चर क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैंने जितना सोचा था कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये जो पैनल है आपको काफ़ी खूबसूरत पिक्चर दे देता है। और लेकिन इसका स्टैंड जो है बहुत ही बेकार है, आप थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो आपको ऐसा जैसे देख सकते ये हिल रहेगा। हाँ, ये ऐसे हिलता है। तो इसका स्टैंड अच्छा नहीं है, बाकी मॉनिटर अच्छा है। आपको टिल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इधर उधर एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी ये स्टैंड टाइट नहीं है इसलिए घूम रहा है। तो मॉनिटर प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन मुझे तो मॉनिटर काफ़ी अच्छा लगा है, 1 साल वारंटी के साथ आता है और ठीक ठाक है। और ये आपको मार्केट में लगभग 4 से 4,500 तक का मिल जाता है। अगर ये मैट फिनिश के साथ आता तो और भी अच्छा होता, तो आपको ये रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, घर में यूज़ करने के लिए ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये मॉनिटर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें गेमिंग आप भूल जाइए, इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। आप ऐसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं घर में, और थोड़ा बहुत ऑफिस का अगर काम करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ठीक ठाक है। आप फोटोशॉप अगर कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं तो ये नहीं चलेगा, आपको कोई और मॉनिटर लेना चाहिए। तो ये काम चलाने के लिए एक ठीक ठाक मॉनिटर है। ज़्यादातर मैं अपने कस्टमर जो CCTV यूज़ करते हैं, मतलब CCTV का जो कस्टमर है, मैं उनको देता हूँ ये मॉनिटर। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ठीक ठाक है। वीडियो कैसा लगा और ये मॉनिटर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।